friends, welcome. So friends, if you're watching us for the first time and you haven't subscribed to our channel yet, you know what to do. Yeah, click the subscribe button and the bell icon, that little ghanti as we say, because that will notify you of all the videos as soon as we upload them. And after watching today's video, if you like it, click the like button and share the video with your friends and family. So today we are watching, yes, it's going to be kind of back-to-back videos on this topic. So we are watching Modi ne Nagrikta Kanoon par Congressiyon ki bolti band kar di. So yes, friends, we are trying to do, you know, some highlights from his speeches so that the video does not become too long. But his whole speech throughout, it was more than an hour long, was fantastic. So, okay, friends, let's go ahead and watch this video. उन्होंने कहा है जहां तक ईस्ट पाकिस्तान का ताल्लुक है उसका यह फैसला मालूम होता है कि वहां से नॉन मुस्लिम जितने हैं सब निकाल दिए जाए वह एक इस्लामिक स्टेट है एक इस्लामिक स्टेट के नाते वो यह सोचता है कि यहां इस्लाम को मानने वाले ही रह सकते हैं और गैर इस्लामी लोग नहीं रह सकते लिहाजा हिंदू निकाले जा रहे हैं ईसाई निकाले जा रहे हैं मैं समझता हूं कि करीब 37,000 से ऊपर क्रिश्चियंस आज वहां से हिंदुस्तान में आ गए हैं बुद्धिस्ट भी वहां से निकाले जा रहे हैं ये भी किसी जनसंघ का आप भाजपा के नेता का वाक्य नहीं है और सदन को मैं बताना चाहूंगा ये शब्द उस महापुरुष के हैं जो देश के प्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक रहे हैं वो श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी के वाक्य उस टाइम तभी so, आप उनको भी कॉम्युनल कह देंगे आप उनको भी हिंदू हिंदू और मुस्लिम के डिवाइडर कह देंगे ये बयान लाल बहादुर शास्त्री जी ने संसद में 3 अप्रैल 1964 को दिया था नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे तब धार्मिक प्रताड़ना की वजह से भारत आ रहे शरणार्थियों पर संसद में चर्चा हो रही थी उसी दरमियान शास्त्री जी ने ये बात कही थी आदरणीय सभापति जी अब मैं आदरणीय सदन को एक और बयान के बारे में बताता हूं और ये खास करके मैं मेरे समाजवादी मित्रों को विशेष रूप से समर्पित करता हूं क्योंकि शायद यही है जहां से प्रेरणा मिल सकती है जरा ध्यान से सुने हिंदुस्तान का मुसलमान जिए और पाकिस्तान का हिंदू जिए मैं इस बात को बिल्कुल ठुकराता हूं कि पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान के नागरिक हैं इसलिए हमें उनकी परवाह नहीं करनी है पाकिस्तान का हिंदू चाहे कहां का नागरिक हो लेकिन उसकी रक्षा करना हमारा उतना ही कर्तव्य है जितना हिंदुस्तान के हिंदू या मुसलमान का ये किसने कहा था ये भी किसी जनसंघ भाजपा वाले का नहीं है ये श्रीमान राम मनोहर लोहिया जी की बात है हमारे समाजवादी साथी हमें माने या न माने लेकिन कम से कम लोहिया जी को हम नकारने का काम न करें यही मेरा उनसे आग्रह है सच्ची में बोलती बंद कर देनी है आदरणीय सभापति जी मैं इस सदन में
शास्त्री जी का एक और बयान पढ़ना चाहता हूं। ये बयान उन्होंने शरणार्थियों पर राज्य सरकारों की भूमिका के बारे में दिया था। आज वोट बैंक की राजनीति के कारण राज्यों के अंदर विधानसभाओं में प्रस्ताव करके जिस प्रकार का खेल खेला जा रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जी के भाषण को सुन लीजिए, आपको पता चलेगा कि आप कहां जा रहे थे, कहां थे, क्या हो गया आप लोगों का। सभापति लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, हमारी तमाम स्टेट गवर्नमेंट ने इसको रिफ्यूजी सेटलिंग राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में माना है। इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं और ऐसे करते हुए हमें बड़ी खुशी होती है। क्या बिहार और क्या उड़ीसा, क्या मध्य प्रदेश और क्या उत्तर प्रदेश, या महाराष्ट्र या आंध्र, सभी सूबों ने, सभी प्रदेशों ने भारत सरकार को लिखा है कि वे इनको अपने यहां बसाने के लिए तैयार है। किसी ने कहा है 50,000 आदमी, किसी ने कहा है 15,000 फैमिली, किसी ने कहा है 10,000 फैमिली बसाने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। शास्त्री जी का ये बयान तब का है जब 1964 में देश में ज्यादातर कांग्रेस की ही सरकारें हुआ करती थी। आज बदलेंगे, हम ये अच्छा काम ही कर रहे हैं, हम ये अच्छा काम ही कर रहे हैं और आप रोने कर रहे हैं, आप रोने कर रहे हैं क्योंकि आपकी वोट बैंक की राजनीति। आदरणीय सभापति जी, पच्चीस नवंबर 1947 देश आजाद होने के कुछ ही महीनों में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पास किया था। 25 नवंबर 1947 कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव क्या कहता है, कांग्रेस इज फर्दर बाउंड टू एफोर्ड फुल प्रोटेक्शन टू ऑल दोज नॉन मुस्लिम्स फ्रॉम पाकिस्तान हु हैव क्रॉस द बॉर्डर एंड कम ओवर टू इंडिया और मे डू सो टू सेव देयर लाइफ एंड ऑनर। जब सुनना नहीं तो चीन के लिए सिट डाउन, अगर आप नाउ लिसन, अगर आप आज जो भाषण कर रहे हैं, आदरणीय सभापति जी, डोंट दे अंडरस्टैंड, मैं नहीं मानता हूं कि 25 नवंबर 1947 को कांग्रेस कम्युनल थी, मैं नहीं मानता, और आज अचानक सेक्युलर हो गई ऐसा भी मैं नहीं मानता हूं। 25 नवंबर 1947 आपने नॉन मुस्लिम लिखने के बजाय आप लिख सकते थे कि पाकिस्तान से आने वाले सब लोगों को, क्यों नहीं लिखा ऐसा, बिल्कुल क्यों नॉन मुस्लिम लिखा, नॉन मुस्लिम लिखा ये बोल रहे तो प्रॉब्लम हो रही है। बंटवारे के बाद प्लीज, बंटवारे के बाद जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे, बंटवारे के बाद जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे उनमें से अधिकतर हमारे दलित भाई बहन थे मिश्रा जी, उसमें से अधिकतर हमारे दलित भाई बहन थे। और इन लोगों को, रामदास जी, इन लोगों को बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, आई वुड लाइक टू टेल द शेड्यूल कास्ट हु हैपन टुडे to be impounded inside Pakistan to come over to India। ये बाबा साहब अंबेडकर ने भी यही संदेश दिया था। ये सारे बयान जिन महान हस्तियों के हैं
वो इस देश के राष्ट्र निर्माता है। क्या वो सभी कॉम्युनिस्ट है? कांग्रेस और उसके साथी देश के राष्ट्र निर्माताओं को भी वोट बैंक की राजनीति के कारण भूलने लगे हैं, ये देश के लिए चिंता का विषय है। आदरणीय सभापति जी, 1997 यहां अनेक साथी उपस्थित होंगे, हो सकता है कि सदन में भी कोई हो, ये वो साल था जब से तत्कालीन सरकार के निर्देशों में हिंदू और सिखों का इस्तेमाल शुरू हुआ। पहले नहीं होता था, जोड़ा गया। क्या होता था? 2011 में इसमें पाकिस्तान से आने वाले क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट शब्द की कैटेगरी को भी बनाया गया। ये सब 2011 में हुआ है। साल 2003 में लोकसभा में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2003 पर जिस स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने चर्चा की और फिर उसे आगे बढ़ाया, उस कमेटी में कांग्रेस के अनेक सदस्य आज भी यहाँ है जो उस कमेटी में थे। और स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट की इस रिपोर्ट में कहा गया, पड़ोसी देशों द्वारा आ रहे अल्पसंख्यकों को दो हिस्सों में देखा जाए, एक जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की वजह से आते हैं और दूसरा वो अवैध माइग्रेंट्स जो सिविल डिस्टर्बेंस के कारण की वजह से आते हैं। इस कमेटी का रिपोर्ट है। आज जब ये सरकार यही बात कर रही है तो इस पर 17 साल बाद हंगामा क्यों किया जा रहा है? 28 फरवरी सभापति जी, 28 फरवरी 2004 को केंद्र सरकार ने राजस्थान के मुख्यमंत्री, आपको पता होगा कौन मुख्यमंत्री थे, उस मुख्यमंत्री की प्रार्थना पर राजस्थान के 2 जिले और गुजरात के 4 जिलों के कलेक्टरों को यह अधिकार दिया गया कि वो पाकिस्तान से आए माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी के लोगों को भारतीय नागरिकता दे सके। ये नियम 2005 और 2006 में भी लागू रहा। 2005 और 6 में आप ही थे। आज तब तो संविधान की मूल भावना को कोई खतरा नहीं हुआ था, उसके विरुद्ध नहीं था। आज से 10 साल पहले तो ये सारी बातें ठीक थी, जिस पर कोई शोर नहीं होता था। आज अचानक आपके दुनिया बदल गई है। पराजय आपको इतना परेशान करता होगा मैंने कभी सोचा नहीं। सो फ्रेंड्स, फैंटास्टिक स्पीच राइट देयर वंस अगेन, एंड आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट शेयर दिस वीडियो as much as possible so that it goes to every house and all those people who have doubts in their mind, it clarifies it. I'm so glad that we have this platform where we can see it, what exactly the speech is, and I'm so happy that PM Modi was able to clarify everything. So he has clearly told them, these were the things that you did at your time, and obviously, they were in the opposition, but they knew what was good for the country and they did not create, you know, hurdles in their way. They stood with them to say, yeah, this is the right thing to do. Now, when they have come, BJP has come into power and they are doing whatever was done by them. They are finishing those tasks. They have a major problem. The Congress is having a major problem. And now they are creating so much of havoc in the country. So he's telling and he's saying, is getting votes so important for you? Why? Why is that? I mean, we as, you know, common people should be smart to understand this and know who to vote and who are the correct people who are going to be helping out in the progress of the country. Very clearly said exactly what their motive is, why they are doing this. And, you know, if one is smart enough,
one will understand this. So I loved this speech, and I'm once again going to say that I'm so glad that because of the so much of social media that we have, Twitter, Facebook and YouTube and all, we are able to watch these videos and get to know the facts straight from the Lok Sabha, the Rajya Sabha, from the Prime Minister himself. So answers to all our doubts right here. Yeah, very good video. I mean, it's very nice. Mr. Modi essentially tried to say that there are many things that previous Congress has said. Many things that previous leaders have said, right, from a very long time. And at that time, you were in power, but you never objected to all that stuff. In fact, there were many things that were going on, like he gave the example of Rajasthan and Gujarat. They were given the authority, some areas, to accept those people who were coming. And he said, since the beginning, there was law to see them in two different ways. One was people who were coming because of civil problems in that country, like we call it civil war or civil tensions in the country, versus people that are coming because they were religious, their religion was different, and they were being prosecuted because of having a different religion. So until now, before you were beaten, all those things were okay. You were looking at it. These were the laws. You were looking at people in two different ways. You had allowed certain states to accept those people. But now that you are beaten, now you are trying to just go per your voter bank, which obviously is very little anyway. So whatever little bit voter bank you have, just to satisfy that, now you are contradicting what you yourself were okay in that time. Right? So that is what he was showing proof that, let me read all these things. You guys were in power in much of that time. You did not create so much chaos at that time because you were the winning party. Now you have lost. And now all those things that you've done, you have a problem with that because of your voter bank. So essentially, he is trying to say, just because that is the only voter bank that is remaining for you, it is not okay to contradict yourself. Do something for the good of the country. Do something that at that time also people were doing, and at that time what was logical, and how did you change? That's what he was saying. How did you change? Those people, when they did versus you today, how come there is so much change? And he gives the reason why. And the ending is very good when Mr. Modi says, it is just because you were beaten. Just because you were beaten, now you are contradicting yourself and trying to just say that you are the representatives of your voter bank without understanding whether it is right or wrong. So very good video. Very nice to see such video. And I am not sure how much of these videos does a common public listen to. I hope they all right. do. If common public is listening to these things, then they will understand what's going on. And I think that there should be some mechanism where, I hope, not just Doordarshan, but other TV channels should be showing more of these live. Yes. So that common public is able to see that and understand, instead of now third party is giving them information. Right. So Twitter is one example where people can listen to the thoughts of their prime minister without waiting for any third party. That is one great example. I mean, that's the reason even the US that's going on. If you want to hear from the prime minister, for example, in this case, if you want to hear from Mr. Modi, just subscribe to his Twitter account, and then you just get his thoughts directly without anybody coming. But the other point is this medium where people should be able to see these things on live TV and get the information firsthand, yeah, without being manipulated by someone. Exactly. It's so nice that actually they're showing, you know, live what is going on, all the speeches of all the people there. So fantastic video, guys. And once again, I would request you to share it as much as possible. So, okay, friends, we'll go ahead and take your leave, and we'll come back again in another video very soon. Till then, take care and bye-bye. Oh, and if you're new to my channel, don't forget to hit that subscribe button and hit the bell icon so it notifies you when I put in my new video for you to enjoy.
Bye.